एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां ईजीआईटी के बाद अब छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जीएसटी एक्टिव। प्रदेश के 6000 से ज्यादा कारोबारियों को भेजा गया है नोटिस। टैक्स और रिटर्न जमा नहीं करने वालों को नोटिस। बड़ी संख्या में नोटिस जारी होने से व्यापारी वर्ग में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी संख्या में नोटिस जारी होने से व्यापारी वर्ग में हड़कंप, और ईडी और आईटी के बाद अब छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जीएसटी भी एक्टिव नजर आ रहा है। जहां प्रदेश के 6000 से ज्यादा कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है। टैक्स और रिटर्न जमा नहीं करने वालों को यह नोटिस भेजा गया है। अब बड़ी संख्या में नोटिस जारी होने के बाद व्यापारी वर्ग में हड़कंप भी मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद हसन। हसन, अब राजधानी में जीएसटी की भी एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश भर में आईटी और ईडी की रेड जो है वो लगातार की जा रही थी और दोनों ही विभाग काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे, अब इसके बाद जो है सेंट्रल जीएसटी की टीम जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो गई है। प्रदेश भर में इस साल जो है करीब 6000 से ज्यादा कारोबारी जिन्होंने अपना जो इनकम टैक्स है और जीएसटी जो है वो नहीं पटाया, उन पर जो है यहाँ पर नोटिस भेजने की कार्रवाई जो है वो सेंट्रल जीएसटी की टीम द्वारा जो है वो यहाँ पर की गई है। 6000 से ज्यादा अलग अलग बड़े जो लोहा, कोयला और सीमेंट के व्यापारी हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो नोटिस दिया गया और उन्हें नोटिस का जवाब जो है वो जल्द से जल्द तलब किया गया। जिन्होंने अपना जीएसटी नहीं पटाया और जीएसटी नंबर नहीं लिया है, उन पर जो है सेंट्रल जीएसटी की टीम जो है वो अब कार्रवाई कर रही है। जयसन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।